सम्यक अभियान संगठन के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोध परख अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया गया है। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर में प्रदेश में नौ क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय देशव्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। आइए सुनाते हैं अभियान का उद्देश्य और युवाओं को किस तरह से समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। पहली बात तो ये, हमने सम्यक अभियान जो चलाया है ये तो समस्या पर हम आए, इसके समाधान तो साथ साथ रख रहे हैं और डेडलाइन भी हमने किया है। हम सम्यक अभियान बड़ा लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को हम लोग युवा दिवस मनाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। तब तक सारे युवाओं को जागृत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, संगठित करने के साथ साथ युवाओं को संकल्पित भी कर रहे हैं कि आप संकल्प लीजिए कि हम इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। 1 जनवरी 2024 को 5 लाख युवाओं के साथ हम युवा दिवस भोपाल में मनाएंगे, तब उस समय चाहे जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे सामने लाएंगे, उसके सामने हम ड्राफ्ट रखेंगे। पहला ड्राफ्ट होगा हमारा 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु लागू करने संबंधी, उसमें स्पष्ट लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यून शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को किया जाएगा। जैसे ही इस आदेश पर हस्ताक्षर होते हैं तो निश्चित रूप से 5,30,000 अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुनिश्चित हो जाएगी 31 जुलाई को। तो 1 जनवरी से 31 जुलाई यानी 7 महीने की अवधि में 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। दूसरी बात यह आती है, आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात आती है, तो निश्चित रूप से 9,80,000 पदों पर जो आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जा रही, नियुक्ति कभी नियमित नहीं होती, टेंडर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए होते हैं, आप लोग भी बली बांधती जाते हैं, जैसे टेंडर खत्म उनकी नौकरी खत्म, तो 9,80,000 पदों पर जो इस तरीके से काम लिया जा रहा है उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसका मतलब 15,10,000 कर्मचारियों के लिए नियमित नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तीसरी बात आती है, हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और देश के नामी अर्थशास्त्रियों से बात किया है, कुछ उद्योगपतियों से भी किया है जिनका नाम मैं ओपन करना नहीं चाहता, और उन सब ने कहा कि यहाँ न्यूनतम वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारा ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में हम आपको पेश करेंगे। उसमें लिखा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होते ही राज्य में शासकीय क्षेत्र के LDT, UDT, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, LDC, UDC, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जितना वेतन नियुक्ति के समय निर्धारित है उतना ही वेतन निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी देना होगा, लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में जहाँ पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, वहीं निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति का लाभ ले सकता है। ढेर सारे युवाओं के नंबर होते हैं, वो उनको मैसेज भेजते हैं कि भाई इस योग्यता के इतने इतने कर्मचारी चाहिए, और जब उन लोगों ने आवेदन किया तो बोले हाँ ठीक है आपकी नौकरी लग जाएगी। 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में देनी पड़ेगी। पहली दलाली का अड्डा ये बना, जब वहाँ नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में 14,000 की अगर वेतन तय है तो 8,000 रुपये वेतन देते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं ये तो आउटसोर्सिंग कंपनी का नियमित वो है, कमीशन है। मतलब सारे के सारे युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया। सारे शासकीय विभागों में पद खाली जरूर बताया जा रहा है, लेकिन 70% नियुक्ति भी है। हमने आंकड़े निकाले हैं शासकीय निगम, मंडल, बोर्ड, जनपद, शासकीय उपक्रमों आदि के कि कुल कितने कर्मचारी लग गए हो, 9,80,000 का आंकड़ा निकल के आया है हमारे पास में। पूरे प्रदेश में 9,80,000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से भरे जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।